हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आज के इस सेशन में। और आज का हमारा ये सेशन 45 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का सेशन लास्ट सेशन है आपके नीट 2020 एग्जामिनेशन से पहले। जाहिर सी बात है काफी इंपॉर्टेंट है, एक बार आपको वो सारे के सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जिनसे मिलते जुलते क्वेश्चंस या उन्हीं क्वेश्चंस के आने की संभावना बहुत अधिक है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। स्वागत है आप सभी बच्चों का 45 मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQs फॉर नीट 2020। इसके पहले जितने MCQs मैंने आपके साथ शेयर किए हैं वो सारे के सारे MCQs एक बार जरूर देख लीजिएगा, गो थ्रू कर लीजिएगा हमारे प्रीवियस सेशंस को जो इस सीरीज में मैंने पिछले 2-3 दिनों में क्वेश्चंस लिए हैं आपके साथ। तो स्वागत है बच्चों आप सभी का जो इस वक्त सेशन में जुड़े हुए हैं। शुरू कर देते हैं। शेफाली, रवीना, अभिनव, आंचल, अनुपा, रितीश, शाकिर, काफी बच्चे आ चुके हैं। बच्चों एक चीज आपने और गौर करी, नीट 2020 के बच्चों के लिए ही मैंने आज पर्ल कल्चर के ऊपर जो मेरा सेशन था वो मैंने पोस्टपोन कर दिया। मुझे बहुत से बच्चों ने कमेंट भेजे, मैसेज मैंने देखे आपके कमेंट के थ्रू, और आप लोगों की रिक्वेस्ट के लिए मैंने उसको आज नहीं करके मंडे 3 बजे के लिए पोस्टपोन कर दिया। रीजन बड़ा सिंपल सा है कि आपका कल एग्जाम हो जाएगा तो मंडे के दिन आप लोग भी शामिल हो सकते हैं पर्ल कल्चर वाले सेशन में मेरे साथ। ठीक है, चलिए शुरू कर देते हैं सेशन को। काफी बच्चे जुड़ चुके हैं इस वक्त, राइट। तो स्वागत है आप सभी का और शुरू कर देते हैं आज का सेशन अपना। फॉर ऑल दो स्टूडेंट जिन्होंने आज पहली बार मेरा सेशन ज्वाइन किया है, माई नेम इज प्रदीप सिंह। माई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टॉट, एवरीथिंग इज इन फ्रंट ऑफ यू। और मैं हमेशा कहता हूं कि ये सारी की सारी चीजें हैं सेकेंडरी, आप हैं प्राइमरी। मेरे सेशंस को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी शेयर कर दिया करें ताकि इस रेवोल्यूशन के बारे में कंट्री के हर एक बच्चे को पता चल जाए। एक और बेहतरीन फीचर, टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हैं आप। टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल करिए, गो टू द ब्राउजर एंड टाइप livedaily.me/chat और आप इस चैनल के साथ जुड़ जाते हैं। आपको सारे के सारे अपडेट्स मिलने लगते हैं अपने सेशन से रिलेटेड। एक और बेहतरीन फीचर जिसके थ्रू आप हमारे प्रीवियस लेक्चर, यूट्यूब के सारे लेक्चर्स व्यू कर सकते हैं, कंप्लीट प्लेलिस्ट आ जाती है और यहीं से आप लेक्चर्स को देख सकते हैं। बात करते हैं अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन की। नीट 2021 और 2022 और उसके बियॉन्ड जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं नीट की, जुड़े अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के साथ, जहां पर आपको मिलती हैं स्ट्रक्चर्ड लाइव क्लासेस, वो भी कंट्री के बेस्ट एजुकेटर्स के द्वारा। यू कैन इंटरेक्ट विद अस, लाइव पोल, लीडर बोर्ड, टेस्ट सीरीज एनालिसिस और लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन जैसे बेहतरीन फीचर आपको यहां पर मिलते हैं। हमारे ईयर लॉन्ग बैच कोर्सेज ऑलरेडी रनिंग है तो इनके साथ जुड़े। करना क्या है, बड़ा सिंपल है, प्ले स्टोर पर जाकर के अनअकैडमी लर्निंग आपको इंस्टॉल करना है। उसके बाद ऑप्शन आएगा प्लस का, सिलेक्ट करिए नीट यूजी, क्लिक करिए गेट सब्सक्रिप्शन और फिर ये विंडो, यहां अपनी जरूरत के हिसाब से सब्सक्रिप्शन चूज कर सकते हैं, राइट। 9th, 10th, 11th के बच्चों के लिए 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन ही बेहतर रहता है क्योंकि ये कॉस्ट इफेक्टिव पड़ता है और आप कंप्लीट ड्यूरेशन तक जुड़े रहते हैं। यूज करिए कोड प्रदीप लाइव, ये तो आप जानते ही हैं, किसी भी जटिल ऑपरेशन को करने के लिए सर्जन्स की पूरी टीम की आवश्यकता होती है। जाहिर सी बात है आपको भी पूरी की पूरी टीम की आवश्यकता होगी जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा सके। यूज करिए कोड प्रदीप लाइव और हमारी टीम के साथ जुड़ जाइए। प्राइस हाइक भी होने वाला है तो जिन बच्चों को जुड़ना है वो 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन जल्द ले लें। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट। सैन, आदित्य, शेफाली, ऐश्वर्या, नेहा, पूजा, काफी बच्चे आ चुके हैं। तो बच्चों अब विलंब किसी बात का नहीं है, 45 क्वेश्चन आज के लास्ट सेट ऑफ 45 क्वेश्चन है। मैंने आपको कहा था कि मैंने कुछ 200 क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है जिनके आने की संभावना है, तो वो 200 क्वेश्चन इन्हीं क्वेश्चन में से हैं जिनके आने की संभावना काफी अधिक है। तो उसी क्रम में लास्ट सेट ऑफ 45 क्वेश्चन, लेकिन ध्यान रहे इसमें कुछ बॉटनी के क्वेश्चन भी मैंने मिक्स किए हैं। रीजन बीइंग वो क्वेश्चन पिछले सेशंस में नहीं कंप्लीट हो पाए थे तो उनको आज इस सेशन के माध्यम से कंप्लीट करना है। ठीक है, कोमल, थैंक यू फॉर द रोजेस और शुरू कर देते हैं अपने सेशन को। तो पहला प्रश्न ये रहा आपके समक्ष, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। द एंजाइम प्रेजेंट इन आरबीसी एट हायर कॉन्सेंट्रेशन इज, कौन सा एंजाइम आरबीसी में सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन के थ्रू पाया जाता है? विच ऑफ द एंजाइम इन आरबीसी में हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन में देखने को मिलता है, ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में देखने को मिलता है। आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड, यू हैव टू स्टार्ट आंसरिंग। बच्चों मैं नजर बनाए हुए हूं आपके आंसर्स पर, फटाफट आंसर कीजिए, मेरा देखना भी बहुत जरूरी है।
कौन कौन से बच्चे सबसे पहले करेक्ट कर रहे हैं। हार्ट्स और रोजेस तो आप भेज ही रहे हैं, आंसर भी भेजना शुरू करिए। ठीक है, प्रीति ने सबसे पहले करेक्ट आंसर भेजा है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एंजाइम आरबीसी में जो है वो कार्बोनिक एनहाइड्रेज है। समझ में आई बात? डीएनए गायरेज, डीएनए पॉलीमरेज, जब उसके अंदर न्यूक्लियस ही नहीं है तो इनका क्या काम और पेप्सिन की क्या आवश्यकता हो जाएगी उसके अंदर। कार्बोनिक एनहाइड्रेज, कहीं पर भी कंफ्यूज नहीं होना है, इस प्रश्न के आने की संभावना है क्योंकि आरबीसी से रिलेटेड कई बार कई क्वेश्चन पूछे गए हैं इस बार एनटीए के क्वेश्चंस में। कार्बोनिक एनहाइड्रेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज देख लीजिए कितना तेजी के साथ ये एंजाइम एक्शन कराता है। इट कैन स्पीड द रिएक्शन बाय फॉर्मिंग अप टू 600,000 मॉलिक्यूल पर सेकेंड। 600,000 मॉलिक्यूल ऑफ द प्रोडक्ट पर सेकेंड के रेट से ये अपने रिएक्शन को आगे बढ़ा सकता है। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इसमें दो ऐसे जीवाणुओं के नाम दिए हुए हैं जिनका जीनस सेम है। सो द इनह्यूमन, द टू डिफरेंट हार्मफुल स्पीशीज ऑफ माइकोबैक्टीरियम कॉजेस, क्या करते हैं माइकोबैक्टीरियम? माइकोबैक्टीरिया की दो प्रजातियां दो तरह की डिजीजेस करती हैं, वो कौन कौन सी डिजीजेस हैं ये आपको बताना है। ठीक है, लेट मी हैव अ लुक कौन से बच्चे करेक्ट आंसर दे पाते हैं। हु ऑल कैन आंसर इट करेक्टली, क्वेश्चन नंबर 2 आ चुका है। आप क्वेश्चन नंबर के साथ जरूर आंसर करें। रोज एब्सोल्युटली करेक्ट, आस्था ने भी मेरे ख्याल से इसी क्वेश्चन का आंसर किया, सुबोध ने भी आंसर किया है। माइकोबैक्टीरियम राइट, लेप्रे और ट्यूबरक्यूलोसिस, वेरी गुड, दोनों का जीनस सेम है लेकिन स्पीशीज अलग अलग है। माइकोबैक्टीरियम लेप्रे लेप्रोसी कॉज करता है और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस ट्यूबरक्यूलोसिस कॉज करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट क्रोमैटिड्स, क्रोमैटिड के बारे में कही गई बात इनमें से कौन सी सही है? क्रोमैटिड, क्रोमोजोम, सिस्टर क्रोमैटिड, क्रोमैटिन रेटिकुलम या क्रोमैटिन मटेरियल, ये क्या चीजें हैं, इनके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन का आंसर करें फटाफट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट क्रोमैटिड्स, क्रोमैटिड्स के लिए कौन सी बात यहां पर बिल्कुल सही कही गई है, विच इज ट्रू अबाउट द क्रोमैटिड। ठीक है, आंसर आने शुरू हो गए हैं बट आई डाउट कि वो क्वेश्चन नंबर 3 का ही आंसर आप कर रहे हैं। जागृत ने गलत आंसर दिया है, अंकित ने सही आंसर दिया है, मैक्स और भी कई सारे बच्चे, मोहित ने सही आंसर दिया है। इट इज वन हाफ ऑफ अ रेप्लिकेटेड डीएनए, एक रेप्लिकेटेड डीएनए का वन हाफ है, रेप्लिकेटेड हो चुके हुए डीएनए का एक हाफ है। यानी कि मान लीजिए ये एक डीएनए है, आफ्टर रेप्लिकेशन ये डीएनए इस तरह दिखेगा ना, इसकी डबल कॉपीज, तो इसका वन हाफ, दिस इज वन क्रोमैटिड, दिस इज द सेकेंड क्रोमैटिड, और दोनों को अगर कहें तो सिस्टर क्रोमैटिड है, ये एक क्रोमैटिड, ये दूसरा क्रोमैटिड, और दोनों आपस में सिस्टर क्रोमैटिड, और ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्रोमोजोम है। सो दिस इज जस्ट द वन हाफ ऑफ अ रेप्लिकेटेड डीएनए। इस तरह के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस के आने की संभावना बहुत अधिक है। सिंथेटिक फेज में डीएनए का डुप्लीकेशन होता है। Prolonged dikaryotic stage is observed in, ये question very important है, ये very important question है। Fungi में ये dikaryotic stage देखा जाता है जिसको dikaryon भी कहते हैं। Prolonged dikaryotic stage fungi के किस class में देखने को मिलता है? Prolonged dikaryotic stage, ध्यान रहे, prolonged dikaryotic stage fungi के किस क्लास में देखने को मिलता है? क्वेश्चन नंबर 4 के साथ ही आंसर करें, फोर्थ लिख करके आंसर लिखें। प्री का डी, स्नेहा, रेवती, रेवती ने आंसर कर दिया, स्नेहा ने आंसर कर दिया, वेरी गुड। बैसिडियो माइसिटिस, यानी कि मशरूम्स तो आपने देखे ही हैं, एगारिकस, एगारिकस बाइस्पोरस, एगारिकस कैंपेस्ट्रिस, तो एगारिकस यानी कि जो हमारे बैसिडियो माइसिटिस है, जो मशरूम्स है, उनमें प्रोलॉन्ग डाइकैरियोटिक स्टेज देखने को, इतना प्रोलॉन्ग्ड होता है कि पूरा का पूरा मशरूम जब डेवलप होता है, बटन मशरूम जिसको बोलते हैं, तो भी डाइकैरियोटिक स्टेज में रहता है, वो फ्यूज नहीं होता। फ्यूज कब होता है? जब बैसिडियम बनता है उस वक्त जाकर के फ्यूज होता है। प्रोलॉन्ग्ड डाइकैरियोटिक फेज इन बैसिडियोमाइसिटिस देखने को मिलता है। समझ में आ गई बात? सो यू अंडरस्टूड, बैसिडियोमाइसिटिस प्लास्मोगैमी इज नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाई कैरियोगैमी, जिससे डाइकैरियोटिक कंडीशन काफी वक्त तक के लिए रहता है। इनमें डाइकैरियोटिक हाइफे पाए जाते हैं, डाइकैरियोटिक हाइफे, क्लैंप कनेक्शन के बारे में भी इनके साथ आपने पढ़ा है, मेरे साथ
तो ये चीजें ध्यान रखनी है, आपको भूलना नहीं है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कंटेन्स इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स एक्सेप्ट। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो कार्टिलेजिनस रिंग्स हैं वो सब इनकम्प्लीट हैं। यहां पर देख लीजिए, सब इनकम्प्लीट सी शेपेड कार्टिलेजिनस रिंग्स हैं। लेकिन ऐसे इलाके भी हैं जहां पर कंप्लीट रिंग है। जहां पर कंप्लीट रिंग पाई जाती है वो इलाके कौन से हैं? फटाफट करें आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 आंसर करिए। आयुष, आपने क्वेश्चन नंबर 5 तो लिखा लेकिन आंसर का ऑप्शन नहीं दिया। मैक्स ने बिल्कुल करेक्ट जवाब दिया है, डिस्टल ब्रोंकियोल्स एंड टर्मिनल ब्रोंकियोल्स। डिस्टल और टर्मिनल ब्रोंकियोल में यह इंतजाम देखने को मिलता है कि उसमें कंप्लीट रिंग होती है, कंप्लीट रिंग, बाकी किसी में नहीं, बाकी सब में इनकम्प्लीट यानी कि सी शेपेड रिंग्स ही होती हैं। समझ में आई बात? उर्मिला कर लिया आपने, वेरी गुड। प्रांजल, कुसुम, स्नेहलता, नीलम, अंकन, ब्रूनो, एक नाम काफी अच्छे अच्छे रखते हैं आप लोग, विवेक, अंकिता, आयुष, ब्योमकेश, जतिन, विशाल, विशु कुमार। विशु ने तो भाई पूरी दुनिया के हार्ट्स भेज दिए, इतने हार्ट्स अगर भेज देंगे तो दुनिया में हार्ट धड़कने बंद हो जाएंगे। संभाल करके भेजें, संभाल करके यूज करें। वेरी गुड, सो ऑल ऑफ यू आर डूइंग करेक्ट, डिस्टल ब्रोंकियोल एंड टर्मिनल ब्रोंकियोल, ध्यान दीजिए। नाउ द एंजाइम ADA that is crucial for the immune system to function is abbreviated as, यानी कि ये किस चीज का abbreviation है, ADA किस चीज का abbreviation है? Let me have a look, किस चीज का abbreviation है? Question number 6 आ चुका है, question 6 के साथ answer करें। Very good, बहुत तेजी के साथ answer हो रहे हैं, लेकिन question number 6 I doubt। मोहम्मद फरदीन, लीजिए आपका नाम भी ले लिया। विशु कुमार, बिल्कुल बच्चे, मैं आई अग्री विथ ऑल योर एस्पेक्ट, जो भी आप सोचते हैं आई अग्री विथ दैट, बट सक्सेसफुल आपको बनना है क्योंकि प्राइमरी आप हैं, ठीक है, हम सब सेकेंडरी हैं, वी ऑल आर सेकेंडरी, ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। एडिनोसाइन डी एमाइनेज, ठीक है, आपको सक्सेसफुल बनना है, ध्यान दीजिएगा इस बात को। आप अगर सक्सेसफुल बन जाते हैं तो हमारा जितना भी वर्क है वो कंप्लीट है, सार्थक हो जाता है। Which of the Government Act of India has passed in Government of India Act has passed in 1986 to protect and improve the quality of our environment? Government of India Act, Government Act of India नहीं, Government of India Act, Government of India का कौन सा Act 1986 में पास हुआ है जो कि एयर, वाटर और सॉयल को लेकर के है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इसके बारे में जिक्र बहुत ज्यादा डिटेल में आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, तो इस प्रश्न का आंसर आपको पता होना ही चाहिए। प्रणव, यू हैव राइट टू आंसर बट दैट्स नॉट द करेक्ट आंसर, दैट्स नॉट द करेक्ट आंसर। नीलम ने शायद सबसे पहले करेक्ट आंसर किया है, नीपा, नेशनल एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, यानी कि नीपा, नेशनल एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, नाम याद रख लीजिए नीपा का। इसके ऊपर प्रश्न आने के पूरे की पूरी संभावना है, 1986 में ये एक्ट पास हुआ था, ठीक है, समझ में आ गई बात, ये रहा नीपा। आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग द सिंथेसिस फेज इफ द इनिशियल अमाउंट ऑफ डीएनए इन द सेल इज 15 नैनोग्राम, अब डीएनए के अमाउंट को नैनोग्राम या पीकोग्राम में भी रिप्रेजेंटेड होते देखेंगे। सिंथेटिक फेज में स्टार्टिंग में डीएनए इन अ सेल वॉज 15 नैनोग्राम, देन आफ्टर सिंथेसिस द अमाउंट ऑफ डीएनए इन द सेल वुड बी, सिंथेटिक फेज के खत्म होते होते अमाउंट ऑफ डीएनए कितना हो जाएगा सेल में, ये आपको बताना है। सिंथेटिक फेज के खत्म होते होते क्वेश्चन नंबर 8 आ चुका है। बच्चों थोड़ा फास्ट करें क्योंकि आपका वक्त बहुत कीमती है और मैं आपका बहुत ज्यादा वक्त जाया नहीं करना चाहता। फॉर ऑल दो स्टूडेंट नीट 2020, ठीक है, और भी कई बच्चों ने लिखा हुआ है कि मेरा भी नाम ले लीजिए, मैं तो चाहता हूं आपका नाम डॉक्टर बनने के बाद लूं, आप चाहते हैं नाम पहले ही ले लिया जाए, और जब तक मैं आपका नाम पढ़ पाता आपका नाम ही ऊपर चला गया। तो नाम के साथ साथ अगर आप कुछ चाहते हैं कि आपका नाम पढ़ा जाए तो कुछ हार्ट वगैरह कुछ बना के भेजा करिए, कुछ लाइक वगैरह बढ़ा दिया करिए ताकि मुझे दिख जाया करे। अच्छा, एक और बड़ी बात, जितने बच्चे सेशन में हैं इस वक्त सारे के सारे सेशन को लाइक तो कर दीजिए, क्योंकि मैं लाइक करना कहना भूल जाता हूं, वैसे तो आप करते हैं नो डाउट, सारे बच्चे खूब लाइक करते हैं। एंड एवरी वन इज आंसरिंग दिस क्वेश्चन करेक्ट, 30 नैनोग्राम्स, जस्ट डबल है, सिंपल सी बात है। लेकिन एक और प्रश्न इसके साथ, मैंने इस क्वेश्चन को
जानबूझकर आपके समक्ष इसको रखा है क्योंकि यहां पर एक और प्रश्न मुझे पूछना है। अगर जब 15 नैनोग्राम था तो सेल की प्लॉइडी लेवल थी 2n, अगर 15 नैनोग्राम डीएनए कंटेंट में प्लॉइडी लेवल थी 2n तो 30 नैनोग्राम डीएनए कंटेंट में प्लॉइडी लेवल कितनी होगी? व्हाट वुड बी द प्लॉइडी लेवल इन 30 नैनोग्राम? सिंथेटिक फेज के पहले 2n था, सिंथेटिक फेज के बाद क्या होगी प्लॉइडी लेवल? इट इज n और 2n, n होगा या 2n होगा? नरेश कुमार, रीवा, नरेश थैंक यू बच्चे फॉर द हार्ट्स। इयांशी ने पूछा है कि 2030 में क्या होगा, 2030 में क्या होगा वो 2030 में देखेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। सो दिस इज ऑल्सो 2n। यही तो समझना था कि अमाउंट ऑफ डीएनए बढ़ जाता है लेकिन प्लॉइडी लेवल नहीं बढ़ती है क्योंकि वो डीएनए एक जैसा होता है, वो दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। वेरी गुड, दैट्स वंडरफुल। नाउ द सेट ऑफ हार्मोन विच लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी मैसेंजर लाइक साइक्लिक एएमपी ड्यूरिंग देयर मोड ऑफ एक्शन। कौन कौन से हार्मोन हैं जो सेकेंडरी मैसेंजर्स बनाते हैं, जैसे कि साइक्लिक एएमपी, इस तरह के सेकेंडरी मैसेंजर्स को बनाने वाले हार्मोन कौन कौन से हैं? फटाफट देखें और आंसर करें। विच ऑफ द हार्मोन्स लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी मैसेंजर लाइक साइक्लिक? यस बच्चों, 2n, सारे के सारे बच्चे करेक्ट हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर करें, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर जरा जल्दी ही करें। यस, इट विल बी सेम, एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल तैयारी आपकी अच्छी है। इट इज सेम एज 2n, एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल सही जवाब है। और 9th क्वेश्चन का आंसर करें, आई एम जस्ट लुकिंग फॉर द आंसर। समीक्षा ने सबसे पहले करेक्ट आंसर किया है, समीक्षा, वेरी गुड। LHS, LH, FSH और ACTH, इन हार्मोन में साइक्लिक एएमपी जैसे सेकेंडरी मैसेंजर्स की आवश्यकता पड़ती है। फाइंड द ऑड वन विद रिस्पेक्ट टू द मोड ऑफ केमिकल सिक्रीशन। इनका जो मोड ऑफ केमिकल सिक्रीशन है उसके हिसाब से ऑड वन कौन सा है? विच इज द ऑड वन इन द मोड ऑफ केमिकल सिक्रीशन? फटाफट बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 10 हैज कम। समझ में आई बात? और जिनको नहीं ध्यान है क्वेश्चन नंबर 9 वो अब याद रखिएगा। LH, FSH इनका नाम, और ICSH याद रखिएगा। 9A, यस, 9th का A था। बच्चे आपका नाम पढ़ना ही बड़ा मुश्किल है, आपने ऐसे जंबल के हिसाब से रखा है और आप कह रहे हैं शाउट आउट प्लीज, हैं? नाम को आपने ऐसे जंबल्ड अल्फाबेट में लिखा हुआ है, मतलब मेरी अंग्रेजी खत्म हो जाती वहां तक। मैंने इतनी अंग्रेजी नहीं पढ़ी जितनी इंग्लिश आपने यूज करी है अपने नाम को लिखने में, ठीक है? चलिए, बहुत बढ़िया। मैमरी ग्लैंड, मैमरी ग्लैंड जो है एक्सोक्राइन ग्लैंड है, बाकी सब एंडोक्राइन ग्लैंड है। पिनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, बाकी सब एंडोक्राइन ग्लैंड है। मैमरी ग्लैंड इज एक्सोक्राइन ग्लैंड, ध्यान रखें। ए कॉमन कोलेजिनस कनेक्टिव टिश्यू लेयर विच होल्ड द नंबर ऑफ मसल बंडल ऑफ स्केलेटल मसल इज कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं? ये प्रश्न भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मसल फाइबर की अलग अलग लेयर, ये जितने नाम लिखे हुए हैं ये सब मसल फाइबर की ही बाइंडिंग के अलग अलग स्टेजेस हैं। मसल फाइबर की बाइंडिंग के अलग अलग स्टेजेस हैं जो आपके समक्ष यहां पर लिखे हुए हैं, लेकिन आपको एक एक के बारे में पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11, आई एम वेटिंग फॉर ऑल ऑफ यू। गौतम चौधरी, थैंक यू बच्चे। तनुश्री, वेलकम। अक्षता, क्या बात है। 11A, सारे के सारे बच्चे जानते हैं, फैसिया, बिल्कुल सही जवाब है। मैक्सिमम बच्चे करेक्ट आंसर के साथ हैं, फैसिया कहलाता है ये। सम ऑफ द लैंड रेप्टाइल्स वेंट बैक इनटू वाटर टू इवॉल्व इनटू फिश लाइक रेप्टाइल्स, जैसे कि इक्थियोसॉर, प्रोबेबली अराउंड कितने साल पहले, कितने साल पहले कुछ लैंड रेप्टाइल पानी में चले गए, भारी भरकम लैंड रेप्टाइल ने पानी में जाना उचित समझा, पानी में चले गए, वो कितने साल पहले पानी में चले गए? 100, 200 साल पहले, एक सेंचुरी पहले, या मिलियन ईयर्स अगो? कितने मिलियन ईयर्स अगो पहले वो चले गए? धनंजय, थैंक यू बच्चे। जी डी खान, यस बच्चे, हेलो। शमा, यस, हेलो बच्चे, वेरी गुड, बहुत तेजी के साथ आंसर हो रहे हैं। इक्थियोसॉर वगैरह कितने वक्त पहले पानी में चले गए? किसी ने कहा मैंने पिछले साल ही देखा था पानी में जाते हुए, तो किसी ने यह भी कहा था, कहते मैंने तो पिछले साल ही देखा था पानी में जा रहे थे, तो फिर किसी दूसरे ने बताया, अरे भाई वो इक्थियोसॉर नहीं था, वो तो भैंस थी जो पानी में चली गई थी।
ठीक है, तो ऐसी चीजें भी हो जाती हैं कई बार, डायनासोर को देख देख देखते देखते कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, है ना, तो किसी ने बता दिया, क्लैरिफाई कर दिया। सो प्रोबेबली अराउंड 200 मिलियन ईयर्स अगो, एब्सोल्युटली करेक्ट, बहुत ही बढ़िया। ये रहा इवोल्यूशनरी सीक्वेंस, 500 मिलियन ईयर्स अगो पहले ओरिजिन ऑफ इनवर्टिब्रेट माना जाता है, 350 मिलियन ईयर्स अगो पहले ओरिजिन ऑफ जॉलेस फिशेस, 320 मिलियन ईयर्स अगो पहले सीवीड एंड फ्यू प्लांट्स, 200 मिलियन ईयर्स अगो पहले कुछ डायनासोर लाइक ऑर्गेनिज्म दे वेंट इनटू द वाटर, और 65 मिलियन ईयर्स अगो पहले डायनासोर ही धरती से विलुप्त हो गए। और उसके बाद क्रम आता है हमारे मैमल्स के डेवलपमेंट का, बर्ड्स के डेवलप, हालांकि बर्ड तो डायनासोर के टाइम पर ही थे, ग्लोरिफाइड रेप्टाइल्स मैंने पिछले सेशन में भी बात करी है, ये जो सीक्वेंसेस हैं इनको जरूर ध्यान में रखना है। और ह्यूमन इवोल्यूशन की कड़ी याद रख लीजिएगा, कौन से ह्यूमन के ब्रेन की कैपेसिटी कितनी बड़ी है, ये क्वेश्चन आने की संभावना काफी ज्यादा है, ध्यान रखिएगा। अर्थवॉर्म इन द इकोसिस्टम इज कॉल्ड, अर्थवॉर्म को क्या कहा जाता है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम इकोसिस्टम, यानी कि जो इकोलॉजी सेक्शन है वहां से काफी इंपॉर्टेंट है। मेघना थैंक यू सो मच बच्चे, ईशान थैंक यू बच्चे, थैंक यू सुमन, बहुत बढ़िया, लेकिन आंसर करें आप लोग, आप लोग बातों में ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, आंसर भी करते रहें। क्वेश्चन नंबर 13 आपके समक्ष आ चुका है, इसका आंसर करें। वेरी गुड, मैक्सिमम स्टूडेंट करेक्ट आंसर दे रहे हैं। डेट्रीवोर्स कहलाते हैं ये डेट्रीवोर्स हैं, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर फीड करते हैं। अर्थवर्म किसी जीव को मार करके नहीं खाता, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर फीड करता। मोस्ट सुटेबल रीजन व्हाई एसए नोड एक्ट एज अ पेसमेकर फॉर हार्ट, एसए नोड को नेचुरल पेसमेकर क्यों कहा जाता है भला, पेसमेकर को एसए नोड क्यों नहीं कहा जाता, एसए नोड को पेसमेकर क्यों कहा जाता है, Why is it called the natural pacemaker for the heart? Why is it called? What is the reason for which SA node को pacemaker बोला जाता है? मैंने बताया हुआ है इसके बारे में। SA node और AV node, ये दोनों के दोनों node, इनके अंदर excite करने की tendency होती है, heart को excite करने की क्षमता होती है, लेकिन ध्यान रहे। Question number 14th, I am looking for the correct answer. किसी ने दिया कि नहीं? कीर्ति ने correct answer दे दिया, बहुत बढ़िया कीर्ति, धन्यवाद। हिबा ने करेक्ट आंसर दिया, इसके अलावा और भी काफी बच्चे हैं, लेकिन इतनी तेजी के साथ आप, जतिन ने भी करेक्ट आंसर दे दिया। इट कैन जनरेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल पर मिनट, इसका एवरेज है 72 टाइम्स अ मिनट, इसी वजह से हार्ट बीट जो है वो ऑप्टिमम होती है 72 टाइम्स अ मिनट, और एवी नोड 40 टाइम्स अ मिनट की रफ्तार से आपके हार्ट को पंप कर सकता है, एक्साइट करा सकता है। यानी कि ऐसे नोड अगर काम करना बंद कर दे तो आपको वक्त मिल जाता है पेसमेकर बिठाने का, तुरंत के तुरंत डेथ नहीं हो जाती है। ये देख लीजिए 70 टू 75 टाइम्स नॉर्मल जो एवरेज है, सो दैट मीन 72 टाइम्स 72 बीट्स पर मिनट, साइनोएट्रियल नोड, ध्यान रहे इस प्रश्न के बारे में। स्कम, पॉन्ड स्कम कहते हैं ना, पॉन्ड स्कम कुछ प्लांट्स होते हैं, एक्वाटिक प्लांट्स जिनको हम जनरली एल्गे भी बोल देते हैं, उसको स्कम भी बोला जाता है। इट फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर, स्कम जो है वाटर के सरफेस पे क्यों फ्लोट करता है भला, स्कम क्यों फ्लोट करता है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट्स फ्लोटिंग, क्या कारण हो सकता है, मैं देखना चाहूंगा। हरिओम थैंक यू, और किसी ने तो अपनी बातों को ही अपना नाम दे दिया। बच्चों आप अपनी बातों को इतना ज्यादा तवज्जो क्यों देते हैं, जब आप जानते हैं अपनी बातें, आपकी बातें कैसी हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, समझने वाली बात है, बट दैट्स गुड, करेज है आपके अंदर, यू हैव गॉट द करेज टू चैलेंज द थिंग्स पब्लिकली, वेरी गुड। ऑल राइट, सो ऑल ऑफ यू आर स्टार्टेड गिविंग द आंसर। महबूबा बाशा स्वागत है बच्चे, थैंक यू फॉर द हार्ट्स, वंडरफुल। सारे बच्चे अभी सोच ही रहे हैं ये स्कम फ्लोट क्यों करता है। देखिए कुछ ने कह दिया इट जनरेट मीथेन गैस, कौन सा एल्गे है जो मीथेन गैस करता है, जनरेट करता है। हाइड्रोजन सल्फाइड, कौन सा एल्गे है हाइड्रोजन सल्फाइड करता है। डेंसिटी ऑफ सेल इज मोर देन दैट ऑफ वाटर, तब तो डूब जाएगा। ऑक्सीजन एक्यूमुलेट्स, ये ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होता है जिसकी वजह से ये फ्लोट करता है।
सिलेक्ट द सेट ऑफ मीजोडर्मल स्ट्रक्चर फ्रॉम द फॉलोइंग, यहां पर जो दिए हुए हैं इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर मीजोडर्मल ओरिजिन वाले हैं, एक्टोडर्मल ओरिजिन, एंडोडर्मल ओरिजिन और मीजोडर्मल ओरिजिन। इस क्वेश्चन के साथ साथ एनटीए ने पूरा क्लियर किया है इसका आंसर क्या हो सकता है। यस आई एम डूइंग फास्ट, आप भी फटाफट आंसर करें क्वेश्चन नंबर 16। जैसे ही किसी बच्चे ने पहला आंसर कर दिया करेक्ट, आई विल मूव ऑन टू द आंसर एंड नेक्स्ट क्वेश्चन। फटाफट करिए आंसर क्वेश्चन नंबर 16, आई एम जस्ट वेटिंग। यस मोहम्मद तारिक, बिल्कुल सही बात है, गोकुल ने आंसर तो किया है लेकिन क्या इसी प्रश्न का किया है। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर यू टू करेक्ट। टेस्टिंग, टेस्टिंग ने सबसे पहले करेक्ट आंसर कर दिया भाई, तो द करेक्ट आंसर इज टेस्टिस एंड किडनीज। देख लीजिए डेंटाइन टेस्टिस एंड किडनीज आर मीजोडर्मल इन ओरिजिन। डेंटाइन टेस्टिस और किडनी मीजोडर्मल है, इनेमल पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस एक्टोडर्मल ओरिजिन है, पैनक्रियस एंड लीवर आर एंडोडर्मल ओरिजिन। ध्यान रहे Which of the following extra embryonic membrane plays an important role in the formation of placenta? Placenta के formation में इनमें से कौन सा extra embryonic membrane बड़ा important role play करता है? Which of the extra embryonic membrane plays an important role in the formation of placenta? Which one of it? इनमें से कौन सा करता है placenta? Placenta के formation में कौन सा extra embryonic membrane helpful है? वेरी गुड, बहुत से बच्चे अभी भी 16th क्वेश्चन का आंसर करने में जुटे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आ चुका है, आंसर करें। आमिर ने सबसे पहले आंसर कर दिया है क्वेश्चन नंबर 17, दैट इज कोरियन। कोरियोनिक विलाई का नाम आपने सुना होगा, कोरियोनिक विलाई तो आप जानते ही हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो ट्रोफोब्लास्ट में डेवलप होते हैं और वहीं से बनता है हमारा प्लेसेंटा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट अबाउट द एक्सक्रेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन, यहां पर कौन सा स्टेटमेंट गलत है ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम के हिसाब से, ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम के हिसाब से कौन सा स्टेटमेंट गलत है, देखते ही बताइए आंसर, इतना वक्त नहीं है बच्चों, देखते ही बताइए। क्वेश्चन देखते ही आंसर तुरंत जुबान पर आना चाहिए, क्योंकि आप जब देखें तो आपको ध्यान में आ जाना चाहिए कि कौन सी बात यहां पर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18, हैव अ लुक हियर, क्वेश्चन नंबर 18, आई एम वेटिंग फॉर ईच वन ऑफ यू टू आंसर। काफी बच्चे आ चुके हैं इस वक्त सेशन में, सेशन को तुरंत लाइक करें। वेरी गुड, अबाउट 10 मिलियन नेफ्रॉन, इसमें एक जीरो ज्यादा लग गया है, 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं ईच किडनी में और यहां दिया हुआ 10 मिलियन नेफ्रॉन। वेरी गुड, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर इंक्लूडेड अंडर क्राइसोफाइटिस, ये एक ऐसा प्रश्न है जो कॉन्ट्रोवर्शियल दिया हुआ है, आपके एनसीईआरटी में इसके बारे में बहुत क्लियरली नहीं दिया हुआ, इसको लेकर के बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये वो प्रश्न है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस ईयर, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म आर इंक्लूडेड अंडर क्राइसोफाइटिस, क्राइसोफाइटिस में कौन से ऑर्गेनिज्म इंक्लूड किए जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। मैं सिर्फ देखना चाहता हूं कौन सा बच्चा इस क्वेश्चन को करेक्ट आंसर करता है। अपर्णा ने सबसे पहले करेक्ट आंसर किया। देखिए यहां पर जो कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है आपके एनसीईआरटी में वो क्या है, मैं आपको बता रहा हूं। देखिए डायटम्स एंड डेस्मिट्स, डायटम्स एंड डेस्मिट्स को गोल्डन एल्गे कहा जाता है, सिर्फ डेस्मिड को नहीं, ध्यान दीजिए सिर्फ डेस्मिड को गोल्डन एल्गे नहीं कहा जाता, एनसीईआरटी में जिस तरीके से लिखा है उसको पढ़ करके ऐसा लगता है कि डेस्मिड गोल्डन एल्गे है, लेकिन ध्यान दीजिए ये जो गोल्डन एल्गे टर्म है ना ये दोनों के लिए है, डायटम्स एंड डेस्मिड, डायटम्स एंड डेस्मिड्स आर गोल्डन एल्गे, समझ में आई बात। गोल्डन एल्गे क्राइसोफाइटिस को इन जनरल कहा जाता है, लेकिन डेस्मिड क्या है, डेस्मिड ग्रीन एल्गे है, डायटम्स अलग अलग कलरेशन के होते हैं, इस वजह से डायटम्स और डेस्मिड को दोनों को एक साथ गोल्डन एल्गे बोला जाता है, लेकिन डेस्मिड की अगर हम बात करें तो डेस्मिड ग्रीन एल्गे हैं, डेस्मिट्स आर ग्रीन एल्गे, दे आर ग्रीन एल्गे, ठीक है, और इनका जो प्लॉइडी लेवल होता है वो होता है हैप्लॉइड, और डायटम्स का प्लॉइडी लेवल होता है 2n डिप्लॉइड, ये चीज आपको क्लैरिटी से पता होनी चाहिए, ठीक है ना, ये अंग्रेजी लैंग्वेज की बात है, यहां पर इंग्लिश की प्रॉब्लम है ना, ये इंग्लिश की प्रॉब्लम है, जैसे कि लिख दिया गया राम, थोड़ी अंग्रेजी पढ़ा देता हूं, एंड श्याम, और ब्रैकेट में लिख दिया गुड बॉयज,
है ना, ब्रैकेट में लिख दिया गुड बॉयज, तो अब क्या बोलेंगे आप, या गुड बॉय लिख दिया, गुड बॉय, इसका मतलब क्या हुआ, सिर्फ श्याम नहीं है गुड बॉय, राम एंड श्याम दोनों गुड बॉय हैं, सिंपल सी बात है। आई बात समझ में? ये रहा एक्सप्लेनेशन। क्राइसोफाइटेस आर ऑल्सो नोन एज गोल्डन एल्गे ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ येल्लो एंड ब्राउन कैरोटीन एंड जैंथोफिल एक्सेसरी पिगमेंट, इस वजह से है, समझा दिया। हीमोजोइन इज अ टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट, हीमोजोइन कब रिलीज होता है, हीमोजोइन का रिलीज कब होता है, इट इज अ टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट, कौन से इवेंट के बाद हीमोजोइन रिलीज होता है, क्वेश्चन नंबर 20 देखें और आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 20 आ चुका है, इसका आंसर फटाफट करिए, समझ में आ गई ना, राम और श्याम के बारे में कहानी, कोई राम और श्याम हो तो आप समझ ही जाएंगे, बिल्कुल सही बात है। हीमोजोइन जो है वो रिलीज होता है जब आरबीसी रप्चर होता है, आरबीसी के रप्चर से होता है, रप्चर ऑफ आरबीसी, ठीक है, रप्चर ऑफ आरबीसी इज द आंसर। नाउ विच इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन सी चीज करेक्टली मैच नहीं है, सारे के सारे ऑप्शंस को देखें, एनालाइज करें और देखें कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है। ये प्रश्न भी अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। विच इज नॉट करेक्टली मैच्ड, यहां पर कौन सी बात करेक्टली मैच्ड नहीं है, ऑप्शंस है एनेलिडा, एंटेरोसिलोमेट, प्लैटीहेलमिंथेस, एसिलोमेट, आर्थ्रोपोडा, सीजोसिलोमेट, निमेथेलमिंथेस, स्यूडोसिलोमेट, इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है, क्वेश्चन 21, और आप लोग भटकते हुए नजर आ रहे हैं मुझे। एनेलिडा, सीजोसिलोमेट, एंटेरोसिलोमेट नहीं है, सीजोसिलोमेट का मतलब होता है ट्रू सिलोम जिनमें होता है, प्रॉपर मेसोडर्म की स्प्लिटिंग से बनता है, एंटेरोसिलोमेट, हम एंटेरोसिलोमेट है, वी आर एंटेरोसिलोमेट, हमारे में एंडोडर्म की स्प्लिटिंग से बनता है स्टार्टिंग में, बाद में रिप्लेस हो जाता है मेसोडर्मल लाइनिंग से। आई बात समझ में? So, Annelida possesses true cilium, इसको सीजोसिलोमिक बोलते हैं, सीजोसिलोमिक इन ओरिजिन, कॉर्डेट्स आर एंटेरोसिलोम, हमारे पास एंटेरोसिलोम है, दोनों के बीच में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, एंडोडर्म की स्प्लिटिंग से बनता है। ओजोन डे कब है, ओजोन डे किस दिन है, विच इज, वेन इज ओजोन डे, इसका आंसर मैं बताने की कोशिश करता हूं इसके पहले कि आप आंसर बताएं, ओजोन डे कब है, ओजोन डे इज वेडनेसडे, इसका भी पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा है, ओजोन डे इज वेडनेसडे, लेट मी सी आप समझ पाए या नहीं समझ पाए। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, समझ गए कि नहीं, ओजोन डे इज वेडनेसडे, मतलब कमिंग वेडनेसडे है ओजोन डे, एब्सोल्युटली करेक्ट, कमिंग वेडनेसडे, कमिंग वेडनेसडे बुधवार के दिन ओजोन डे है, 16 सितंबर, आज है 12 सितंबर, मंडे इज 14 सितंबर, ट्यूसडे 16 सितंबर इज ओजोन डे, ध्यान रहे। ओजोन डे को इसलिए भी याद रखा जाता है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 1994 में सितंबर 16 को ओजोन डे डिक्लेयर किया था, ओजोन डे डिक्लेयर इसलिए किया गया था क्योंकि इसी दिन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन हुआ था, इससे मिलाकर के प्रश्न पूछा जा सकता है, डेट पूछ सकते हैं 1987 में कब हुआ था साइनिंग, किस डेट को साइन हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कनाडा में साइन हुआ, 1987 में साइन हुआ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, बड़ा इंपॉर्टेंट था जिसमें ओजोन के लेकर के चर्चा करी गई, ओजोन को लेकर के जताई गई थी चिंता, समझ में आई बात, तो पूछा जा सकता है कि 1987 में किस दिन, अरे भाई जिस दिन साइनिंग हुआ था वही है सितंबर 16 जिस दिन मनाया जाता है ओजोन डे। मोनास्कस पर्पुरियस इज अ ईस्ट यूज्ड कॉमर्शियली इन द प्रोडक्शन ऑफ, मोनास्कस पर्पुरियस ये एक तरह का ईस्ट है, ये किस चीज के प्रोडक्शन में यूटिलाइज किया जाता है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन को देखें, एनालाइज करें, रियलाइज करें और फिर लगा दें आंसर। जी हाँ बच्चों, मैं फास्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, इसके बाद और तेजी के साथ बढ़ेंगे, आई जस्ट वॉन्ट 23 का कोई भी बच्चा पहला करेक्ट आंसर दे दे, मैं आगे बढ़ जाता हूं। 23 का करेक्ट आंसर, रोज ने सबसे पहले करेक्ट आंसर दिया,
ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग स्टैटिन्स का प्रोडक्शन होता है मोनास्कस पोर्पोरियस से, स्टैटिन्स का प्रोडक्शन, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग स्टैटिन्स। अब अगले कुछ प्रश्न बड़े कैलकुलेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिखाऊंगा बच्चों, जो क्वेश्चन आई ओपनर है और कल के दिन आने की संभावना पूरी की पूरी है। सबसे पहले क्विकली क्वेश्चन नंबर 24 बता दीजिए, टिम्पैनम से लेकर के ओवल विंडो, टिम्पैनम वो एरिया है जिसको हम कहते हैं ईयर ड्रम, टिम्पैनम से लेकर के ओवल विंडो, इनर ईयर के ओवल विंडो तक जो ऑसिकल या छोटे छोटे बोन्स का अरेंजमेंट है वो कैसा है। क्वेश्चन नंबर 24 आपके समक्ष, देखिए ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 24। ब्रजेश पांडे थैंक यू बच्चे, बट माई बर्थडे वॉज ऑन सेप्टेम्बर 2nd और आप सबने विश भी किया था, थैंक यू सो मच। तो बच्चों टिम्पैनम से लेकर के ओवल विंडो तक मैलियस इनकस स्टेपिस, इसी नाम से आप याद रखते हैं मैलियस इनकस स्टेपिस, सिंपल सी बात है, ऑप्शन नंबर सी मैलियस इनकस स्टेपिस, तीनों के तीनों बोन है, हैमर एनविल एंड स्टिरअप, हैमर एनविल एंड स्टिरअप। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, प्राइमर्स यूज्ड इन पीसीआर मस्ट बी, कैसे पीसीआर होने चाहिए, प्राइमर कैसे होने चाहिए, जो पीसीआर में यूज होने वाले प्राइमर है वो कैसे होने चाहिए, What type of primers do we need in PCR? इसके बाद कुछ calculation वाले questions हैं, उनको जरूर 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 देखना है आपको, उन calculations वाले question को एक बार आप कर लेंगे तो कल जरूर आएंगे calculative question, simple type के question। Hardy-Weinberg equilibrium भी बड़ा important है। इसके बाद वो bacteria पूरी कटोरी कब तक भरता है ये भी बड़ा important है। Question number 25 फटाफट करें answer, ये बहुत important प्रश्न है, thank you स्नेहा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इसमें एक बड़ा राज छिपा हुआ है, वो राज आपको हर चीज के बारे में बताता है, रेप्लिकेशन कहां से होता है, ट्रांसक्रिप्शन कहां से होता है, सब कुछ वही राज यहां पर बयान करता है। 25th का ए, 3' एंड स्पेसिफिक होना चाहिए, क्योंकि 3' एंड पर ही वो जब आकर के चिपकेगा तो 5' होगा, यानी कि डीएनए पॉलीमरेज और आरएनए पॉलीमरेज हमेशा जो अलग से प्राइमर होता है उसके 5' एंड के साथ ही अटैच होते हैं और कहीं अटैच नहीं होते हैं, ये देख लीजिए। आ गया जी प्रश्न जिसके बारे में मैंने आपको बताया, कैलकुलेट करिए, इसमें मैं आपको वक्त दूंगा, क्योंकि इस क्वेश्चन को एक बार अगर आप सही कर ले गए तो हमेशा सही करते रहेंगे। एट अ पर्टिकुलर लोकस, एक पर्टिकुलर लोकस में, एक प्लेस में, फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल ए एलील इज 0.6 एंड स्मॉल ए एलील इज 0.4, फ्रीक्वेंसी दे दी गई, दोनों एलील की फ्रीक्वेंसी दे दी गई, frequency of heterozygote in a randomly mating population of equilibrium, yani ki population Hardy-Weinberg equilibrium mein hai, randomly mating bhi hai, yani ki Hardy-Weinberg ko follow kar rahi hai, heterozygote ki bata dijiye quantity, only the heterozygotes how much, very good very good very good, that is commendable, 2pq, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल ए यानी कि जो डोमिनेंट एलील है उसको पी से रिप्रेजेंट किया जाता है और दूसरे को क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, और हेटेरोजाइगोट को जो निकाला जाता है वो 2pq यानी कि पी प्लस क्यू होल स्क्वायर के इक्वेशन को जब ब्रेक किया जाता है तो 2pq निकलता है, तो 2 × 6 × 4 देख लीजिए 6 × 4 = 24 × 2 = 0.48, इसको अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दे तो परसेंटेज निकल आता है 48% है, 48% है, फ्रीक्वेंसी है तो 0.48, ये है Hardy-Weinberg इक्विलिब्रियम, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सिस्टमैटिक्स इन्वॉल्व्स, सिस्टमैटिक क्या इन्वॉल्व करता है, व्हाट डज सिस्टमैटिक्स इंक्लूड एंड व्हाट डज सिस्टमैटिक्स इन्वॉल्व, सिस्टमैटिक्स क्या इंक्लूड करता है और क्या इन्वॉल्व करता है, फटाफट देखें आप क्वेश्चन को, एनालाइज करें और आंसर कर दें, सिस्टमैटिक्स इन्वॉल्व क्या इन्वॉल्व करता है, सिस्टमैटिक्स क्या इन्वॉल्व करता है, बहुत ही तेजी के साथ आंसर बच्चों, थोड़ा फास्ट करेंगे, क्विकली आप लोग भी अपनी रफ्तार बढ़ाइए, वी हैव टू डू दिस क्वेश्चंस फास्ट, बिल्कुल सही है 48%, एब्सोल्युटली करेक्ट, सिस्टमैटिक्स क्या इंक्लूड करता है, व्हाट डज सिस्टमैटिक इंक्लूड, मेघा ने सबसे पहले करेक्ट आंसर दिया, ऑल ऑफ द अबव, ये सारे के सारे सिस्टमैटिक्स में आते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म सिस्टमैटिक्स का पार्ट है, नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिज्म सिस्टमैटिक्स का पार्ट है, रिलेशनशिप एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म सिस्टमैटिक्स का पार्ट है, यानी कि ऑल ऑफ द अबव इज सिस्टमैटिक्स, सिंपल सी बात है। चूज द इनकरेक्ट मैच, यहां पर इनकरेक्ट मैच कौन सा है, देखते ही समझ में आ जाएगा आपको, देखते ही समझ में आ जाएगा इनकरेक्ट मैच कौन सा है, एल्यूरोप्लास्ट, इलाइओप्लास्ट, अमीलोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ये सारे के सारे प्लास्ट हैं, अलग अलग तरह के प्लास्ट,
लेकिन क्या सारे अलग अलग तरह के ब्लास्ट ही हैं? लेट मी हैव अ लुक। क्वेश्चन नंबर 28 आ चुका है आपके समक्ष, फटाफट आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 28, फास्ट फास्ट फास्ट, बहुत तेजी के साथ। ठीक है सौजन्या, माई मिस्टेक, आई मिस्ड, क्योंकि आप लोगों के चैट इतनी तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। वैष्णवी वेल डन, 28 क्वेश्चन। टोनोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट वैक्यूल के मेम्ब्रेन को कहते हैं, वो स्टार्च थोड़े ही स्टोर करता है। एल्यूरोप्लास्ट, अमीलोप्लास्ट की अगर हम बात करें तो वो स्टार्च के लिए आता है, टोनोप्लास्ट नहीं आता, टोनोप्लास्ट इज जस्ट द मेम्ब्रेन। ठीक है, बाकी सब तो ठीक है, टोनोप्लास्ट और स्टार्च इनकरेक्ट है। What gases are produced in anaerobic sludge digester? Anaerobic sludge digester में कौन कौन सी gases का उत्सर्जन होता है? ऐसे ही कहते हैं ना हिंदी में, उत्सर्जन होता है। कौन कौन सी gases produce होती हैं anaerobic sludge digester में? कौन कौन सी gases produce होती हैं? कौन कौन सी विषाक्त gases निकलती हैं? Gases को क्या कहते हैं हिंदी में? Gases ही कहते होंगे हिंदी में, और क्या कहते हैं? गैसेस को और क्या कहते होंगे? गैसेस ही कहते होंगे, राइट? तो विच ऑफ द गैसेस, विच, व्हाट गैसेस आर प्रोड्यूस्ड इन एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सारे के सारे बच्चों को पता है, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड सीओ टू। मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड और सीओ टू गैसेस का उत्सर्जन होता है। मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड सीओ टू, वेरी गुड। डिफरेंस बिटवीन लेक्टिन एंड लेसिथिन, बच्चों इसको बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान लीजिए। ये लेक्टिन और लेसिथिन के ऊपर क्वेश्चन आता है, ये पहले भी नीट में आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। डिफरेंस बिटवीन लेक्टिन एंड लेसिथिन इज, लेक्टिन और लेसिथिन के बीच में क्या डिफरेंस है ये आपको पता होना चाहिए। इसके ऊपर प्रश्न आने की संभावना पूरी की पूरी बनी हुई है, ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, इससे मिलता जुलता आपके एनसीईआरटी में कोने में छिपा हुआ है ये सारे के सारे नाम, तो इन नामों को ध्यान में रखना ही रखना है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लेक्टिन एंड लेसिथिन? क्वेश्चन नंबर 30 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने मार्क कर दिया एंड आपने करेक्ट आंसर ही मार्क किया। लेक्टिन इज अ सेकेंडरी मेटाबोलाइट व्हाइल लेसिथिन इज अ फॉस्फोलिपिड, एब्सोल्युटली करेक्ट, वेल डन बच्चों, बहुत ही बढ़िया। अगला प्रश्न, इंटरफेरॉन कैन बी यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ, इंटरफेरॉन इनमें से किसके ट्रीटमेंट में काम में आते हैं? इंटरफेरॉन्स कैन बी यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ विच ऑफ दीज, इनमें से किसके काम में आते हैं? इंटरफेरॉन कैन बी यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ विच वन ऑफ दीज? एस्कैरियासिस, कैंसर, फाइलेरियासिस, मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट, इंटरफेरॉन्स। क्वेश्चन नंबर 31, इंटरफेरॉन आ चुका है, इंटरफेरॉन का आंसर करें। I'm waiting for each one of you to answer. Thank you, bachon, for all your love, support, your roses, and my best of luck to each one of you appearing for NEET 2020 and beyond. Okay? Interferon can be used in the treatment of. Kiske treatment mein interferon ko use kiya ja sakta hai? Let me have a look. Absolutely correct. Bahut hi badhiya. Bahut teji ke saath answer ho rahe hain and maximum answer correct. आ रहे हैं। इंटरफेरॉन को कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है, इनके बारे में पढ़ लीजिएगा, कैंसर इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट पेयर, यहां पर कौन सा इनकरेक्ट पेयर है एनसीईआरटी के हिसाब से? इनकरेक्ट पेयर कौन सा है यहां पर एनसीईआरटी के हिसाब से? गलत पेयर कौन सा है? ध्यान दीजिएगा, इस चीज को लेकर के थोड़ा कंफ्यूजन है, मैं आपको बताऊंगा क्या कंफ्यूजन है इस चीज को लेकर के। क्वेश्चन नंबर 32, सबसे पहले इसका आंसर करें एंड देन आई विल टेल यू व्हाट इज द कंफ्यूजन विद दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32, क्योंकि बच्चों कई किताबों में कुछ और लिखा है, कई किताबों में कुछ और लिखा है, कई किताबों में कुछ और लिखा है, कई किताबों में कुछ और लिखा हुआ है। तो विच इज द इनकरेक्ट पेयर? वेरी गुड, दैट इज द करेक्ट आंसर। ए, लुईस पाश्चर कॉइंड द टर्म वायरस, ये बात सही नहीं मानी जाती है, क्योंकि ध्यान दीजिए फाइजरिंक ने कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम नाम दिया, इवानोस्की ने टोबैको मोजैक वायरस को स्टडी किया। अब आपकी एनसीईआरटी कहती है कि इवानोस्की है जिन्होंने वायरस का खोज किया, ठीक है, लेकिन कई किताबों में फाइजरिंक के बारे में भी कहा जाता है और कई जगह तो लुईस पाश्चर का भी नाम है, लेकिन एनसीईआरटी के हिसाब से इवानोस्की ने ही टर्म वायरस को दिया था, समझ में आएगा? तो लुईस पाश्चर ने तो नहीं दिया, काम जरूर किया लुईस पाश्चर ने,
तो वायरस का मतलब है, डिमित्री इवानोस्की ने ये टर्म दिया था, वायरस दैट मींस वेनम और पॉइजनस फ्लूइड वाज गिवन बाय डिमित्री इवानोस्की, ठीक है, ये आपकी एनसीईआरटी कह रही है। वाइजरिंक ने कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम टर्म दिया। हाँ, लुइस पैस्चर ने डिटेक्ट जरूर किया था कि वायरस जैसी कोई एंटिटी है, लेकिन उन्होंने टर्म नहीं दिया वायरस, ठीक है, ये तो आप समझ ही गए, नो कंफ्यूजन नाउ। ट्रांसक्रिप्शन रेफर्स टू, ट्रांसक्रिप्शन किस चीज को रेफर करता है, व्हाट डज ट्रांसक्रिप्शन रेफर टू, ट्रांसक्रिप्शन किस चीज को रेफर करता है, वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए एनसीईआरटी में भी पुरानी वाली में जिक्र है कि लुइस पैस्चर ने, लेकिन यह नहीं लिखा हुआ कि टर्म कॉइन किया लुइस पैस्चर ने। फिर क्लियर कर देता हूं, एनटीए ने यह चीज स्पेसिफिकली क्लियर करके दी है अपने क्वेश्चंस में, समझ में आई बात, एनटीए ने स्पेसिफिकली इस चीज को करेक्ट कर दिया है कि आपको आंसर लिखना, अगर पूछा जाए किसने वायरस ढूंढा तो इवानोस्की का ही नाम आप देंगे, कंफ्यूज मत होइए। लुइस पैस्चर ने वायरस की प्रेजेंस को डिटेक्ट किया था, नाम नहीं दिया था, ठीक है, वायरस की प्रेजेंस को डिटेक्ट किया था, नाम नहीं दिया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 33 आ चुका है, इस क्वेश्चन को देखें और आंसर करने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर करें पहले। 33, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ डीएनए इन द फॉर्म ऑफ जेनेटिक कोडॉन ऑफ मैसेंजर आरएनए, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन। वैरायटी ऑफ वेरिएंट ऑफ क्राई जीन यूज्ड टू कंट्रोल कॉर्न बोरर, कॉटन बॉल वॉर्म नहीं, कॉर्न बोरर के लिए कौन सा काम में आता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना ही है। वेरिएंट ऑफ क्राई जीन यूज टू कंट्रोल कॉर्न बोरर को कंट्रोल करने के लिए कौन सा यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, मैं देख रहा हूं कौन सा बच्चा करेक्ट आंसर दे सकता है, वेरी गुड, बहुत से बच्चों ने करेक्ट आंसर दे दिया है, वेरी गुड, सो दैट इज क्राई वन ए बी, क्राई वन ए सी, क्राई टू ए बी कॉर्न बोरर के लिए नहीं है, कॉटन बॉल वॉर्म के लिए है, और क्राई वन ए बी इज देयर फॉर कॉर्न बोरर, क्राई वन ए बी, वेरी गुड। द सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ इनवर्टिब्रेट एनिमल, इनवर्टिब्रेट एनिमल में सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है, विच इज द सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम, फर्स्ट लार्जेस्ट आप जानते हैं, सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है इनवर्टिब्रेट्स में, विच इज द सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम अमंग द इनवर्टिब्रेट्स, सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ इनवर्टिब्रेट एनिमल्स इज, विच इज द सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ इनवर्टिब्रेट एनिमल्स, सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ इनवर्टिब्रेट एनिमल्स इज, क्वेश्चन नंबर 35 आ चुका है आपके समक्ष, क्विकली आंसर करें, वेरी गुड, सो दैट इज वेरी नाइस ऑफ यू, बहुत ही बढ़िया, बहुत तेजी के साथ आंसर हो रहे हैं। सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ इनवर्टिब्रेट एनिमल कौन सा है, विच इज द सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ इनवर्टिब्रेट एनिमल, एब्सोल्युटली करेक्ट, मॉलुस्का, फर्स्ट फाइलम है अर्थ्रोपोडा, सेकेंड है मॉलुस्का, और अर्थ्रोपोडा में भी क्लास इंसेक्टा की वजह से वो सबसे बड़ा बना बैठा है, सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है, सिर्फ इनवर्टिब्रेट नहीं, समस्त प्राणी जगत में, एनिमल किंगडम में, यानी कि सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम इज मॉलुस्का, ऑल ऑफ अस आर अवेयर ऑफ इट, मॉलुस्का इज द सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम, वेरी गुड। प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन दैट इफेक्ट द इन्फेंट रिजल्ट इन, पीईएम जिसको कहते हैं, प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन वो इन्फेंट को जो इफेक्ट करता है, दैट रिजल्ट इन कौन सी बीमारी में तब्दील हो जाता है, प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन होने से कौन सी बीमारी बन जाती है छोटे बच्चों में, इन्फेंट्स में, विद इन वन ईयर ऑफ एज, बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, ठीक है, दो तरह की बीमारी है, एक है प्रोटीन डेफिशियंसी, एक है प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन, हालांकि एनसीईआरटी ने दोनों डिजीजेस को प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन के साथ जोड़ा हुआ है, लेकिन एग्जैक्टली स्पीकिंग प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन जो डिजीज है वो है, वेरी गुड, मेरास्मस, दैट इज मेरास्मस, क्वाशियोरकर प्रोटीन डेफिशिएंसी है, ध्यान रहे मेरास्मस में प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन दोनों ही होता है, इट इज मोर ऑफन इन इन्फेंट अप टू वन ईयर ऑफ एज, डिहाइड्रेशन जैसे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, समझ में आई बात, इनफैक्ट जो क्वाशियोरकर होता है उसमें पॉट बेलीज हो जाती है, बॉडी में
वाटर का रिटेंशन शुरू हो जाता है, जिससे बच्चे के कुछ एरियाज में स्वेलिंग दिखाई देती है। लेकिन ध्यान रहे, जो मेरास्मस है इसको सूखा रोग भी बोलते हैं। बच्चे बिल्कुल दुबले पतले हो जाते हैं, ना तो प्रोटीन है उनकी बॉडी में और ना ही कार्बोहाइड्रेट है। समझ में आई बात? तो मेरास्मस डिजीज होता है। क्वाशियोर्कर में प्रोटीन डेफिट, क्वाशियोर्कर जरूरी नहीं है कि ऐसे बच्चों को मिल रहा हो, क्वाशियोर्कर डिजीज वेल नरिश्ड फैमिलीज के बच्चों को भी हो सकता है, क्योंकि वो बच्चा फैट और शुगर ज्यादा खा रहा है, प्रोटीन अगर नहीं मिल रहा है तो बच्चों क्वाशियोर्कर डिजीज हो सकता है। लेकिन मेरास्मस ज्यादातर उन बच्चों में होता है जिन इलाकों में खाने की प्रॉब्लम होती है, लोगों को भरपेट खाना नहीं मिलता। अमाउंट ऑफ यूरिन रिलीज्ड बाय ह्यूमन इन अ डे इज, कितनी अमाउंट ऑफ यूरिन ह्यूमन रिलीज करते हैं ऑन अ डेली बेसिस, अमाउंट ऑफ यूरिन रिलीज्ड बाय ह्यूमन डेली इज कितनी है। यहां पर जो इक्वेशन दिया हुआ है, यानी कि जो हिसाब दिया हुआ है, उस हिसाब को भी देख करके चलें। बिंदु देसाई का प्रश्न है सॉल्टेशन, सॉल्टेशन थ्योरी होती बच्चों, देखिए दो तरह का है सॉल्टेशन थ्योरी, ह्यूगो डी व्रेज ने दी थी। सॉल्टेशन का मतलब है म्यूटेशन, सडन एब्रप्ट चेंजेस, और सॉल्टेटरी कंडक्शन होता है नर्व इंपल्स में। सॉल्टेटरी कंडक्शन जब नोड ऑफ रेनवियर से जंप करता है, तो दोनों जगहों पर इसका जिक्र है। ठीक है, समझ में आई बात? इसको हमने अपने लेक्चर्स में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, बट अब चूंकि वक्त नहीं है, जाहिर सी बात है, तो आपको पता हो जाना चाहिए। एब्सोल्युटली करेक्ट, देयर यू गो, क्वेश्चन नंबर 37, दैट इज द करेक्ट आंसर। 1 to 1.5 लीटर ऑफ स्लाइटली एसिडिक, जिसका पीएच 6 के करीब होता है, और 25 से 30 ग्राम यूरिया रिलीज होता है पर डे। 25 से 30 ग्राम यूरिया रिलीज किया जाता है ह्यूमन यूरिन के माध्यम से। ठीक है, समझ में आ गई बात? ये देख लीजिए, सारा का सारा हिसाब यहां दिया हुआ है। थाइमोजिन प्ले रोल इन, थाइमोजिन किस काम में रोल प्ले करते हैं, व्हाट रोल डू द थाइमोजिन प्ले? सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी ओनली, ह्यूमोरल इम्यूनिटी ओनली, बोथ सेल मेडिएटेड एंड ह्यूमोरल इम्यूनिटी, नीदर सेल मेडिएटेड नॉर ह्यूमोरल इम्यूनिटी। थाइमोजिन किस काम में अपना रोल प्ले करते हैं? मैं देख रहा हूं कौन सा बच्चा सबसे पहले करेक्ट आंसर देता है। लेट मी हैव अ लुक हु आंसर्स द करेक्ट फर्स्ट टाइम। थाइमोजिन, क्वेश्चन नंबर 38 आ चुका है, फटाफट आंसर करें। एटाविज्म भी बच्चों बता चुका हूं, एटाविज्म का मतलब है बहुत पुराने एंसेस्टर, जैसे कि मान लीजिए किसी बच्चे में पूंछ आ जाए तो वो एटाविज्म है, एटाविस्टिक कैरेक्टर, हमारे किसी पूर्वज में देखी जाती थी, अब तो नहीं देखी जाती, यानी कि जो चीजें अब नहीं है उनका रिपीटेशन होना, एंसेस्ट्रल कैरेक्टर का दिखाई दे जाना एटाविज्म कहलाता है। किसी किसी के केनाइन टीथ बड़े, थोड़े बड़े बड़े हो जाते हैं, ठीक है, उसको भी एटाविज्म कहते हैं। वेरी गुड, 38 में मैक्सिमम बच्चे करेक्ट आंसर के साथ हैं। बोथ सेल मेडिएटेड एंड ह्यूमोरल इम्यूनिटी में थाइमोजिन एक्ट करते हैं। थाइमोजिन थाइमस ग्लैंड से सिक्रीट होने वाले हार्मोन है, इट्स अ पेप्टाइड हार्मोन। इनके फंक्शंस दिए हुए हैं, देख लीजिए, एंटीबॉडीज और टी लिम्फोसाइट के फॉर्मेशन में इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लीजिएगा। इन पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना, यानी कि वो कॉकरोच, द वेंट्रल स्क्लेराइट इज कॉल्ड, वेंट्रल स्क्लेराइट, वेंट्रल डॉर्सल नहीं, डॉर्सल पीछे की तरफ, वेंट्रल नीचे की तरफ, वेंट्रल स्क्लेराइट को किस नाम से जाना जाता है? तो यहां दोनों के दोनों नाम दिए हुए हैं। पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना में वेंट्रल स्क्लेराइट इज कॉल्ड, क्या कहते हैं वेंट्रल स्क्लेराइट को? अमनजोत, थैंक यू बच्चे। पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना यानी कि कॉकरोच, इसको कहते हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं बच्चे, काफी बच्चे, टर्जाइट बच्चों वेंट्रल नहीं है, डॉर्सल है, स्टरनाइट इज वेंट्रल स्क्लेराइट, वेंट्रल स्क्लेराइट को स्टरनाइट कहा जाता है, इट इज द स्टरनाइट, ध्यान रहे। क्वेश्चन नंबर 40 आपके लिए, व्हाट विल बी द एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर दैट अ पर्सन कैन एक्सपायर बाय अ फोर्सिबल एक्सपायरेशन? बच्चों यहां पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट मशविरा आपको दे रहा हूं, लंग वॉल्यूम्स देख करके जाइएगा, लंग वॉल्यूम्स सारे के सारे देख करके ही एग्जाम में जाइएगा, सारे के सारे लंग वॉल्यूम देख लीजिएगा, आज ही आज सारे के सारे लंग वॉल्यूम आप जरूर देख लीजिएगा, बहुत आवश्यक है, लंग वॉल्यूम सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। मैं चीख चीख कर ये बात कह रहा हूं ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए, किसी भी चीज को, चाहे वो टाइडल वॉल्यूम हो, चाहे एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हो, चाहे जो भी वॉल्यूम है, सारी की सारी वॉल्यूम्स आपको देख करके जानी है। What will be the additional volume of air that a person can expire after a forceful
काफी एयर एक्सहेल कर दी, एक्सपायर कर दिया, उसके बाद भी एडिशनल कितना हम एक्सपायर कर सकते हैं, तो व्हाट इज दैट वैल्यू? वेरी गुड, 40 का बी 1100 ml करीब करीब हम एक्सपायर कर सकते हैं एडिशनल वॉल्यूम। ठीक है, ये सारे के सारे लंग वॉल्यूम आपको देख करके ही जाना है एग्जामिनेशन में। ठीक है, फंक्शनल रेसिड्यूअल कैपेसिटी, इसके अलावा रेसिड्यूअल वॉल्यूम, टोटल एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये सारे के सारे जो फीचर्स हैं, यानी कि लंग वॉल्यूम्स आप देख लीजिएगा आज ही आज, इसको कल पर ना छोड़िएगा। बैक फ्लो ऑफ फीकल मैटर इन द लार्ज इंटेस्टाइन इज प्रिवेंटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ, फीकल मैटर का बैक फ्लो लार्ज इंटेस्टाइन में किससे प्रिवेंट होता है? बैक फ्लो ऑफ फीकल मैटर इन द लार्ज इंटेस्टाइन इज प्रिवेंटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ, क्वेश्चन नंबर 41 देखिए और उस स्ट्रक्चर का नाम बता दीजिए। बैक फ्लो ऑफ फीकल मैटर इन द लार्ज इंटेस्टाइन इज प्रिवेंटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ, लार्ज इंटेस्टाइन में जब फीकल मैटर आ जाता है तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ना जाए, उसको कैसे प्रिवेंट किया जाता है, कौन सा वॉल्व, कौन सा स्ट्रक्चर है जो उसको प्रिवेंट करता है, कौन सा वॉल्व या कौन सा स्ट्रक्चर उसको प्रिवेंट करता है? एब्सोल्युटली करेक्ट, 41 का मैक्सिमम बच्चे करेक्ट आंसर दे रहे हैं, इलियोसिकल वॉल्व, बिल्कुल सही बात है, इलियोसिकल वॉल्व ही है वो जो बैकफ्लो को रोकता है। क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स और स्टेटमेंट इज और करेक्ट फॉर एरोबिक मसल, एरोबिक मसल के लिए यहां पर कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शंस को देखें, एनालाइज करें, रियलाइज करें और आंसर कर दें फटाफट। तीन क्वेश्चन रह गए हैं, बहुत क्विकली करेंगे और ऑल द बेस्ट, आखिरी में ऑल द बेस्ट बोलूंगा मैं आप सभी को, जैसे ही ये क्वेश्चंस हो जाते हैं आई विल से ऑल द बेस्ट फॉर ऑल माय नीट एस्पायरेंट स्टूडेंट्स, बहुत जरूरी है। तो बच्चों फटाफट करिए, क्वेश्चन नंबर 42 आ चुका है, आंसर करें। वेरी गुड, बहुत तेजी के साथ आंसर हो रहे हैं, बहुत ही तेजी के साथ आंसर हो रहे हैं, 42 डी एब्सोल्युटली करेक्ट, अब है बिल्कुल सही बात है, ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड। प्रियांक ने भी आंसर कर दिया, ज्योति, धनंजय, काजल, सोमनाथ, सुलक्षणा, दानिश, बहुत से बच्चों ने आंसर कर दिया है, वेरी गुड। स्वाति, बहुत ही उम्दा, ऑल ऑफ दीज, ये सारे के सारे फीचर्स एरोबिक मसल्स के फीचर्स हैं, बिल्कुल सही बात है, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 43, ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन के आने की संभावना बहुत ज्यादा है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें थोड़ा कैलकुलेशन है, हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम से रिलेटेड कैलकुलेशन है। ध्यान दीजिए, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव एलील इन अ पॉपुलेशन इज 0.2, रिसेसिव एलील का फ्रीक्वेंसी दे दिया गया, यानी कि क्यू दे दिया गया है आपको, नंबर ऑफ हेटेरोजाइगोट इन अ पॉपुलेशन इज 500, क्यू दे दिया गया है 0.2, पी आप निकाल सकते हैं क्योंकि पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 1, तो 0.8 होता है। हेटेरोजाइगोट क्या होते हैं? 2PQ होते हैं, 2PQ होते हैं हेटेरोजाइगोट, तो आप इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 2 ज़ा, अब आप करके खुद ही बताइए, आपको करके बताना है, मैं ही क्यों बताऊं, सारे के सारे ऑप्शन मैं क्यों बताता चलूं, आप आंसर करें, इट इज यू हु हैव टू आंसर, इस क्वेश्चन को आपको आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 43 देख लीजिए और आंसर कर दीजिए। कैलकुलेशन को मैं आगे बढ़ाऊंगा, कैलकुलेशन को मैं आगे बढ़ाऊंगा, इसके पहले आप लोगों के आंसर आ जाने चाहिए, वेरी गुड। ध्यान दीजिए, 2PQ अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 8 2 16 और 232.32 आता है आंसर, 0.32 का मतलब है कि 32%, तो 32% कितने में से, 500 में से 32% को निकालना है, 1000 में 32% को निकालेंगे तो 320 होगा, है ना, और 500 में निकालेंगे तो 160 होगा, दिस इज गोइंग टू बी द आंसर, 160.32 आउट ऑफ 500, आप ऐसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 0.32 इंटू 500, ये करके देख लीजिए आंसर आ जाएगा, 0.32 का डेसिमल हटाने के लिए यहां पर आपको 100 देना पड़ेगा, ये डेसिमल हट जाएगा, अगर 100 दे दिया, ये देख लीजिए आप इन दोनों जीरोस को कट कर दीजिए, 32 into 5 160 आएगा या नहीं आएगा, इज इक्वल टू 160, देख लीजिए कितने क्विक सक्सेशन में कैलकुलेशन हो जाते हैं, तो 43 क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया, वेल डन मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया, ये देख लीजिए पूरा का पूरा यहां पर इक्वेशन दे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 44, एवरी 100 ml ऑफ डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर्स अप्रोक्सीमेटली,
एवरी 100 ml ऑफ डी ऑक्सीजनेटेड के बारे में कल ही बता दिया था, डी ऑक्सीजनेटेड के बारे में भी बात करी थी, फटाफट आंसर करें। एवरी 100 ml ऑफ डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर्स अप्रोक्सीमेटली, कितना डिलीवर करता है एवरी 100 ml ऑफ डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कितना डिलीवर करता है, क्या डिलीवर करता है और कितना डिलीवर करता है, फटाफट देखें क्वेश्चन का और आंसर करें। यस यस शीतल, बस बच्चों बस 2 मिनट में सारे के सारे क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होने ही वाले हैं। वेरी गुड, आप लोगों के लाइक्स कॉमेंडेबल हैं, लेकिन बच्चे काफी ज्यादा हैं, लाइक्स उस हिसाब से कम है, लाइक्स बढ़ाइए भाई। ऑल द बेस्ट बोलने ही वाला हूं मैं आपको आपके नीट एग्जामिनेशन के लिए। एवरी 100 ml ऑफ डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर्स अप्रोक्सीमेटली, बच्चों डिलीवरी जो होती है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड की, डिलीवर करता है वो सिर्फ एल्वियोलाई को, CO2 तो रिलीज एल्वियोलाई में होगा है कि नहीं, सो 4 ml ऑफ CO2 टू दी एल्वियोलाई। लेकिन अगर यहीं पर ऑक्सीजनेटेड डी अगर हटा दें, ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करें, सो देन इट बिकम्स 5 ml ऑफ ऑक्सीजन टू द टिश्यू, नॉट टू दी एल्वियोलाई, ये चीज ध्यान रखिएगा। 4 ml ऑफ CO2 टू दी एल्वियोलाई, जहां पर गैसियस एक्सचेंज होता है बाहर चला जाएगा, ये देख लीजिए। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, इसके बाद ही मैं आप लोगों को नीट 2020 के लिए बेस्ट ऑफ लक बोलने वाला हूं। बैक्टीरियल सेल डिवाइड एवरी मिनट, हर मिनट में बैक्टीरियल सेल डिवाइड करता है। इट टेक्स 1 आवर टू फिल द कप, 1 घंटा लग जाता है एक कप को भरने में, तो आधा कप कितनी देर में भरेगा, आधा कप, हाफ द कप कितनी देर में भरेगा, ऐसा प्रश्न बहुत बार आया है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें। बैक्टीरियल सेल डिवाइड्स इन एवरी मिनट, इफ इट टेक्स 1 आवर टू फिल अप अ कप, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू फिल हाफ द कप, इस प्रश्न को देखते ही आंसर आप कर दें तो ज्यादा अच्छा है, इस प्रश्न को देखते ही आप आंसर कर दें तो ज्यादा अच्छा है ना, सबको इसका आंसर पता है और बखूबी पता है, बिल्कुल क्लैरिटी के साथ पता है, बहुत ही बढ़िया बच्चों। 59 मिनट में वो आधा कप फिल करेगा, 59 मिनट में आधा कप फिल करेगा, कप भी बना देता हूं प्रॉपर, ऐसे करके होता ना कप, ये देखो कप, तो 59 मिनट में आधा, और जैसे ही 1 मिनट बीता ये कप पूरा फिल हो जाएगा, 1 मिनट में ही तो डबल होता है, 1 मिनट में ही तो डबल होता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच वन ऑफ यू टू रिकॉल, रिमेंबर और ध्यान रहे, ठीक है। हाफ द कप कितनी देर में भरेगा, हाफ द कप भरेगा 59 मिनट में, राइट, सो दिस इज द राइट आंसर, 59 मिनट, नंबर ऑफ बैक्टीरिया बिकम डबल आफ्टर एवरी डिवीजन, ठीक है, सबको क्लैरिटी के साथ समझ में आ गया। नाउ बच्चों अब वक्त आ चुका है, ये हमारा आखिरी सेशन था नीट 2020 के पहले, किसी भी फॉर्म में ये हमारा आखिरी सेशन था नीट 2020 के पहले। अब मैं आप सभी को ऑल द बेस्ट बोलना चाहता हूं, वो भी तहे दिल से, ताकि आप सब बच्चे बड़े ही सुकून के साथ कल का अपना एग्जामिनेशन दें। ईयर 2020 आप जानते हैं काफी यूनिक रहा मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन की हिस्ट्री में, और उस यूनिकनेस में मैं आपके साथ था, आप मेरे साथ थे, तो इस यूनिक जो फीचर आ चुका है, अब फाइनली डेट भी आ चुकी है, कई बार तला है एग्जामिनेशन लेकिन फाइनली डेट आ चुकी है, विथ ऑल पॉजिटिविटी, सारी की सारी पॉजिटिविटी को लेकर के ही एग्जामिनेशन में जाएं, रात को चैन की नींद सोएं, बहुत ज्यादा रात ना जागे, नहीं तो एग्जामिनेशन हॉल में जाकर के जो चीजें रिकॉल होनी है वो रिकॉल करने में मुसीबत होगी, ठीक है। तो मेरा आशीर्वाद, माय बेस्ट विशेस विद ईच वन ऑफ यू बच्चों, बहुत बहुत आशीर्वाद आप सभी को, ऑल ऑफ यू कम विथ फ्लाइंग कलर्स, और मिशन 2030 को अकम्प्लिश करना है नीलगिरीज में, लेगेसी ऑफ नीलगिरीज में। ऑल द बेस्ट टू ऑल माई नीट एस्पायरेंट ऑफ 2020, और जो नीट एस्पायरेंट हैं अब आप लोग सेशन से जा सकते हैं, अपनी तैयारी को जितना टाइम आपको देना है टाइम दीजिए। अब मैं आगे की कार्रवाई, आगे की बातचीत 2021 और 2022 के बच्चों के साथ कंटिन्यू करता हूं। वंस अगेन ऑल द बेस्ट टू ईच वन ऑफ नीट 2020 एस्पायरेंट, मेरी ईश्वर से दुआ है कि आप सबको बहुत बढ़िया तरीके से नीट 2020 में अटेम्प्ट करवाएं और आप सब जो हैं अपनी अपनी जगह पर पहुंचे। ऑल द बेस्ट।
चलिए बच्चों, अब बारी है स्पेशल क्लासेस की। 2021 और 2022 के बच्चे ध्यान दें, हमारी जो स्पेशल क्लासेस हो रही हैं, इन स्पेशल क्लासेस के माध्यम से आपको पूरा का पूरा आइडिया लग जाता है अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करने के बाद पढ़ाई होती कैसे है, लर्निंग ऐप पर किस तरह से पढ़ाई होती है, वो स्पेशल क्लासेस के थ्रू आप देख सकते हैं, प्रीवियस स्पेशल क्लासेस देख सकते हैं, करंट स्पेशल क्लासेस। और कल संडे है, संडे के दिन मेरी कई स्पेशल क्लासेस होंगी फॉर नीट 2021, 2022 एंड बियॉन्ड स्टूडेंट्स के लिए। एक और बेहतरीन फीचर अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर क्विज फीचर आ चुका है, उस क्विज फीचर के थ्रू भी आप अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं, उस परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी परफॉर्मेंस। तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करें। ये रहे हमारे सेशंस। मंडे टू वेडनेसडे क्लास 11th की बारी, थर्सडे टू सैटरडे क्लास 12th की बारी होती है। टेलीग्राम चैनल पर जुड़ने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि आप टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल करें। गो टू द ब्राउजर एंड टाइप livedaily.me/chat और आप इस ग्रुप के साथ जुड़ जाते हैं। एक और बेहतरीन फीचर, हमारे सारे प्रीवियस लेक्चर्स आपको देखने को मिलते हैं livedaily.me/neet के थ्रू, ठीक है, और यहां से आपको पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाती है अपने सेशन से रिलेटेड। बात करते हैं अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, जो कि हर मायने में कंट्री का बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहां कंट्री के सारे बेस्ट एजुकेटर आपको मिलते हैं। यू कैन इंटरेक्ट विद अस, लाइव पोल, लीडर बोर्ड, टेस्ट सीरीज एनालिसिस और लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन जैसे बेहतरीन फीचर देखने को मिलेंगे। हमारे ईयर लॉन्ग बैच कोर्सेज ऑलरेडी रनिंग है, इनके साथ जुड़े। लेकिन बच्चों, एक चीज का ध्यान रहे कि अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करने के बाद आपको एक चीज का ध्यान रखना है, स्पेशल क्लासेस और क्विज फीचर। नाउ प्राइस हाइक अलर्ट आ चुका है, तो क्विकली जुड़ जाएं। जो बच्चे 1 ईयर और 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, वो यूज करें कोड प्रदीप लाइव। मेरी गाइडेंस में आपको अपनी मंजिल का सफर तय करने का मौका मिलेगा, ठीक है। करना क्या है, अनअकैडमी लर्निंग आपको सबसे पहले प्ले स्टोर पर जाकर के इंस्टॉल करें, प्लस सिलेक्ट करें नीट यूजी गेट सब्सक्रिप्शन और फिर ये विंडो आ जाएगी। यहां पर अपनी जरूरत के हिसाब से आप सब्सक्रिप्शन चूज कर सकते हैं। 9, 10th और 11th के बच्चे 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन ही चूज करें, क्योंकि ये काफी कॉस्ट इफेक्टिव पड़ता है एट जस्ट 1500 रुपीज पर मंथ, है ना, और आप अपनी पूरी ड्यूरेशन के लिए तैयारी कर पाते हैं। यूज करिए कोड प्रदीप लाइव। ध्यान रहे, एक चीज का विशेष ध्यान रहे, किसी भी जटिल ऑपरेशन को करने के लिए सर्जन की पूरी टीम की आवश्यकता होती है। इसी तरह नीट जैसे पड़ाव को पार करने के लिए आपको हमारी पूरी टीम की गाइडेंस की आवश्यकता पड़ती है। तो यूज करिए कोड प्रदीप लाइव और पूरी टीम के साथ आप जुड़ जाते हैं। ये रहा प्राइसिंग। 1 ईयर और 2 ईयर के प्राइस में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन अब नए प्राइस अपडेट के साथ डिफरेंस आने वाले हैं। तो जिन बच्चों को डिटेल्ड स्टडी के लिए जुड़ना है, अभी जुड़ जाएं। अनअकैडमी नीट चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ही आवश्यक है। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए और इसके बाद #NEETLiveDaily पर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर भी अवश्य करें, ताकि इस रेवोल्यूशन के बारे में कंट्री के हर एक बच्चे को पता भी चले। अनअकैडमी नीट, अनअकैडमी जेईई, अनअकैडमी फॉर 9th, 10th एंड 11th, 12th ऑल आर आवर सिस्टर चैनल्स, सो टुगेदर लेट्स क्रैक इट। And for joining with an academy subscription, use code Pradeep Live. इस कोड को यूज करते ही आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट और आप मेरी गाइडेंस में अपनी मंजिल के सफर को तय करने में कामयाब होते हैं। इसके साथ साथ हमारी पूरी की पूरी टीम आपकी मदद के लिए तैयार है, तो यूज करिए कोड प्रदीप लाइव। That's all for now, बच्चों, and again all the best to all those NEET aspirant जो अभी तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं NEET 2020 के लिए। All the best बच्चों, see you all again in the next session। और कल शाम को हम नीट के पेपर का डिस्कशन करेंगे, यानी कि आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए, नीट के पेपर के बाद नीट के पेपर का डिस्कशन भी इसी चैनल पर होगा। जो बच्चे 2021 के एस्पायरेंट है, 2022 के एस्पायरेंट है, वो भी उसमें शामिल हों। स्टार्ट करेंगे हम बायोलॉजी से। दैट्स ऑल फॉर नाउ।